काम में आप देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल एलिमेंट और मूवमेंट्स हैं, गैलेक्सीज, आपकी ब्लैक होल और वगैरह वगैरह, जो मुझे हमेशा बहुत ही छोटे पीरियड से मुझे उसको जानने का शौक था, एक क्यूरियोसिटी के कायनात है क्या। 40 साल का साथ है जी, और इनका काम मैं इनिशियल स्टेज से ही देखता आया हूँ। इनकी जितनी एग्जीबिशनें कराची के अंदर हुई, लेकिन कुहारी साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो फिर सबसे पहले पेंटिंग तो एक अलग हिस्सा है, लेकिन इनका जो सिरेमिक वर्क है और इनका जो ग्लास वर्क है, वो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पिछले 60 सालों के अंदर जब से पाकिस्तान बना है किसी ने इतनी जुरत की हो या इतनी हिम्मत की हो। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस पर जितनी हार्ड वर्क इन्वॉल्व है उतना ही जहन का भी ताल्लुक है, क्योंकि ये एक कोई मामूली चीज़ नहीं है। कुहारी साहब की एग्जीबिशन लगी हुई है, इसको देख के व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट वाज के 60s और 70s से जो वो काम कर रहे हैं सिरेमिक्स में एंड ग्लास में, उससे उन्होंने आर्ट मटेरियल्स की जो एक रेंज है वो पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिए, विच इज़ गुड, ब्रॉडन कर दिया उसे, एंड दैट लीव्स न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर आर्टिस्ट। इसके अलावा वन मोर थिंग जो मुझे उनके कामों में, मैंने उनकी पेंटिंग्स में देखा, वो ये है कि जो एक ही पेंटिंग में वो कई फेसेस बनाते हैं एंड देर ऑल इंटरकनेक्टेड, एंड जो कि हमारी आइडेंटिटी की जो है मल्टीप्लिसिटी को शो करते हैं। आई थिंक आजकल के हमारे माहौल में, आजकल के एनवायरनमेंट में, आई थिंक वो बहुत एक रेलेवेंट चीज़ है। फर्म मेरा यकीन है कि कोई शख्स कुछ करना चाहे तो उसके लिए पहली चीज़ ये उसकी इंटेंशन कि वो जज्बा, वो ख्वाहिश इतनी हो कि उसको कुछ और नज़र ना आए, तब वो जब उस डायरेक्शन में जाएगा, उस रास्ते पर चला जाएगा तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। उसके लिए वो आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज और वो लेना और ये पैसा वगैरह इस बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं और जिस मज़हब से, अगर हमको देखेंगे उसका जो बानी है तो एक यतीम बच्चा, उसके पास कुछ नहीं था, उसने कायनात को तब्दील करके रख दिया, न उनके पास डिप्लोमा थे, न डिग्रीज थी, फेथ एंड पेशन और ज़ाहिर है अल्लाह की मदद। तो जिस आदमी में ये ख्वाहिश हो कि मैंने कुछ करना है, वो जो करना चाहता है उसके लिए इतना उस पर कायम रहे और अपने आप को भूल कर उस काम में जब तक न लगा रहे, वो ही कैन नॉट अचीव।